कमलेश तिवारी के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर हिंदू समाज पार्टी का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 2019 को हिंदू समाज पार्टी के कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। हत्यारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर आज हिंदू समाज पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि कमलेश तिवारी की हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र अति शीघ्र ही फांसी की कार्यवाही की जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी ने बताया कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिला कलेक्टर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह है? वजह बिल्कुल क्लियर है। 18 अक्टूबर 2019 को अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी और जिसके संदर्भ में कुछ वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन वादों को लेके आज हिंदू समाज पार्टी ने फिर एक बार ज्ञापन देने आई है और हिंदू समाज पार्टी की मांग करती है, अपनी जो मांगे हैं हमारी, एक तो फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और जल्द से जल्द उनको फांसी होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्षता महोदय जी हैं हमारी, श्रीमती किरण कमलेश तिवारी जी, उनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, उनको जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए। अन्यथा अगर इन चीज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 15 दिन के अंदर अंदर हिंदू समाज पार्टी का पर प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने प्राणों की आहुति देने तक को तैयार रहेगा, लेकिन इन मांगों को पूरा करवा के दम लेगा, चाहे इसके लिए हमारे प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। आज जिला अधिकारी महोदय को के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा।